हेलो बड़ी, कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, सिफर सिविल में। मैं आज बात करने वाला हूँ, ये हमने टॉपिक लिया है बॉक्स कल्वर्ट, ओके, एंड इसका वी मोबाइल बॉक्स कल्वर्ट। और ठीक है, ये हमारा इसमें से वाल हो जाएगा, ये वाल हो गया, ठीक है। ये हमारा, इसको हम लोग प्लान बोल सकते हैं। ये हमारा प्लान है जो कि बॉक्स कल्वर्ट है। इसमें मैं डायमेंशन शो कर देता हूँ। इसका डायमेंशन है 7 मीटर 850 अगर इसको मान लीजिए। ये क्लियर स्पान हो गया, ठीक है, ये मेरा क्लियर स्पान होगी, ये हमारे वॉल होगा। अब मैं ये इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, अगर मैं इसको इधर से काट रहा हूँ तो क्या क्या दिखेगा? पूरे बॉक्स को, पूरे बॉक्स को काट रहा हूँ तो क्या क्या दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे वॉल दिखेंगे, ये दो लाइन दिखेंगे, क्योंकि ये मैं दो लाइन बना ले रहा हूँ, ये दो लाइन हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये नीचे का इसमें से पीसीसी भी दिखेगा, तो पीसीसी को मैं थोड़ा सा 75 mm जैसा बाहर कर देता हूँ। इस तरह से ये मेरा पीसीसी दिखेगा, ये हमारा आरसीसी बॉक्स दिखेगा, वॉल दिखेगा, ठीक है। ये हमारा वॉल है, वॉल का एक लाइन ही दिखेगा आपको, क्योंकि इसको मैं काटूंगा तो लाइन ही दिखेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। देन इसके बाद ये हमारा क्लियर हाइट दिखाई देगा, ये हमारा होंच दिखाई देगा, ये वॉल हो गया। देन ये मेरा बॉटम होंच हो गया, ये हमारा बेड लेवल हो गया, ये हमारा अगेन होंच हो गया, टॉप हंच हो गया, और ये हमारा वॉल हो गया। तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम काटेंगे तो कुछ इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्लियर स्पान हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक क्लियर हाइट, ठीक है। ये हमारा क्लियर स्पान हो गया और ये हमारा क्लियर हाइट हो गया। ये हमारा हॉन्च हो गया। हॉन्च जो होता है, हॉन्च को हमेशा लिखता है ये 600 by 600, ठीक है, या 400 by 400, या 300 by 300, या 350 by 350। ये चीज़ें कहाँ से आता है, ये चीज़ें कहाँ पे, कैसे ये हॉन्च डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक है। हॉन्च डिसाइड कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये मेरा क्लियर स्पान, अगर क्लियर हाइट मेरा 4 मीटर है, क्लियर स्पान अगर मेरा 3.5 मीटर है, तो मैं, मेरा इसमें हॉन्च कौन सा सेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लियर स्पान और क्लियर हाइट में सबसे मैक्सिमम चीज़ें देखा जाता है। मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम मेरा ये 4 मीटर हाइट है, तो 4 मीटर हाइट के लिए आपको 400 by 400 का हॉन्च बनाना है, ठीक है। तो हॉन्च का जो बेसिकली फंडा है, हॉन्च जो होता है, जैसे कि ये वाल हो गया, तो वाल से इस तरह से आके इस तरह से जाता है, ठीक है। ये हमारा वाल हो गया पूरा, ये राफ्ट हो जाता है, यानी बॉटम स्लैब। तो हॉन्च क्या कहता है कि इस तरह से, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरे जानकारी आपको मिलती रहेगी, साइड से रिलेटेड। तो ये क्या कहता है कि ये 400 हो गया और ये भी 400 हो गया, ठीक है। तो ये 400 यानी कि बी इंटू एच, या इसको बोलता है बी इंटू बी, ठीक है। ड्राइंग में आप दिखेंगे तो बी इंटू बी लिखता है, ठीक है। तो ये 400 by 400 हो गया हॉन्च। तो आपको कोई कोई आदमी ये समझ लेता है कि ये हमारा हॉन्च 400 का दिया हुआ है, जबकि ये 400 का नहीं होता है। अभी इसको क्या करना है कि ये 400 का स्क्वायर रूट अंडर आप कर लीजिए, इसको आप रूट अंडर कर लीजिए, ये 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा कैलकुलेशन में, ये आपका हॉन्च होगा, यहाँ से आपको सटरिंग लगाना होगा। तो ये हॉन्च का साइज होता है, ठीक है। इसका जो बीबीएस होता है, जैसे आप बॉक्स कल्वर्ट में देखे होंगे
इस तरह से ये वर्टिकल वर्टिकल सर्वे लगता है, जिसका ये A1 होता है, A2 जो होता है ये टॉप में इस तरह से लगता है, A3 जो होता है B होता है, A1 A2 BCDEF1 F2 G1 G2 G3 एंड H। अब देखिए A1 वर्टिकल हो गया, A2 टॉप टॉप बार टॉप का मेन बार हो गया, बी हो गया बी आपका स्लैब का एक्स्ट्रा हो गया, स्लैब एक्स्ट्रा, सी हो गया बॉटम का बार हो गया, डी हो गया आपका बॉटम एक्स्ट्रा बार हो गया, ई हो गया वर्टिकल हो गया इनर, एफ वन क्या हो गया टॉप हंच हो गया, एफ टू क्या हो गया बॉटम हंच हो गया, जी वन क्या हो गया टॉप स्लैब का शेयर लिंक हो गया, जी टू क्या होगा बॉटम स्लैब का शेयर लिंक हो गया, G3 क्या होगा वॉल का लिंक हो गया, H क्या होगा कि बाइंडर हो गया। ये चीज़ें ये डोनेट करता है कि बॉक्स कल्वर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, ये BBS का पार्ट है, ठीक है। तो आपको मैं बॉक्स कल्वर्ट में मैं ये चीज़ें बता दिया कि इसका हंच क्या होता है, क्लियर स्पान क्या होता है, क्लियर स्पान क्या होता है, क्लियर हाइट क्या होता है। अब इसमें देखिए इफेक्टिव हाइट की अगर बात करते हैं तो मैं इसको सीधा मिटा देता हूँ, मैं फिर से आपको थोड़ा सा मैं इफेक्टिव हाइट, जैसे मान के चले कि ये हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स इस तरह से बना हुआ है, ये बॉक्स इस तरह से बना हुआ है। इफेक्टिव स्पान की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये सेंटर से ये सेंटर, ये मेरा इफेक्टिव हाइट हो गया, ठीक है। इफेक्टिव स्पान की अगर बात करता है तो इफेक्टिव स्पान वॉल के सेंटर से वॉल के सेंटर तक होता है, ये इफेक्टिव स्पान हो गया। तो ये इफेक्टिव स्पान ये होता है, इसमें आपको मैं ये चीज़ डिनोट करता हूँ, ये इसको हम लोग बॉटम राफ्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बॉटम हंच बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग बेड लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आपका वर्टिकल वॉल हो जाता है, वॉल इसको बोल सकते हैं। आपको क्लियर स्पान क्लियर हाइट बता ही दिया, फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग टॉप स्लैब बोलते हैं, इसको टॉप हंच बोलते हैं, ओके। बॉक्स कल्वर्ट में ही है ये हमारा टोटल के टोटल जो यहाँ पर दिख रहा है, बॉक्स का वेट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा बॉक्स कल्वर्ट का, अगर इसके बारे में अभी और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करें जो भी वीडियो चाहिए, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर।